मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक क्विक रिवीजन करते हैं 15 मिनट्स में। ये डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है या उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है। इसमें एक करंट कैरिंग कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के फ्रेम पे लपेट कर उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं सिलिंड्रिकल या कॉनकेव पोल पीसेस के बीच में, जिससे कि रेडियल फील्ड प्रोड्यूस हो। रेडियल फील्ड वो होती है जिसमें कॉइल किसी भी डायरेक्शन में सेट हो वो हमेशा फील्ड के पैरेलल होता है, जिसकी वजह से एरिया वेक्टर हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो कॉनकेव पोल पीसेस यूज होते हैं जिससे रेडियल फील्ड प्रोड्यूस हो पाए। जब कॉइल से आई करंट फ्लो होती है और उस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर उसका एरिया ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इस केस में 90 डिग्री होगा हमेशा। इसलिए कॉइल हमेशा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी एन आई ए बी। रेडियल फील्ड कॉनकेव या सिलिंड्रिकल पोल पीसेस को यूज करके अटेन की जाती है, ऑप्टेन की जाती है। और रेडियल फील्ड इस वजह से ऑप्टेन की जाती है कि कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर इज एंगल बाय विच कॉइल इज रोटेटेड अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, एंड दिस इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन टॉर्सनल कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग, जिससे कि कॉइल फील्ड में फ्रीली लटक रही होती है। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो मैग्नेट यूज करते हैं कॉनकेव, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ में एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम कॉइल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे इसकी इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है। टॉर्सनल कॉन्स्टेंट को कम से कम करने के लिए जो स्ट्रिप हम यूज करते हैं वो बहुत फाइन होती है और फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल या क्वार्ट्ज मटेरियल की होती है। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं और फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की स्ट्रिप यूज करते हैं कॉइल को फ्रीली सस्पेंड करने के लिए। एक क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्जन का या वोल्टमीटर में कन्वर्जन का होता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत लो रेजिस्टेंस का वायर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बहुत कम हो जाए। यहाँ पर आईजी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर कॉइल को बिना जलाए सेफली इससे पास हो सकती है, इसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, जो आई इससे फ्लो कराना हम चाहते हैं, यानी एमीटर का रेंज उस आई का आई जी पार्ट जी से पास होता है और आई माइनस आई जी पार्ट इस लो रेजिस्टेंस वायर जिसे शंट कहते हैं उससे पास होता है। एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इन दो ब्रांचेस में सेम होता है, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये वो की इक्वेशन है जिससे हमें इसके सारे न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन मिलेगा। और ये है कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं। शंट किसे कहते हैं? शंट लो रेजिस्टेंस वायर जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस को एमीटर के रिड्यूस करना और साथ में जो सेफ करंट गैल्वेनोमीटर से पास होती है उसके अलावा जो बैलेंस करंट है उसको बाईपास करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड कराना। अभी तक जिस पैटर्न पर इससे न्यूमेरिकल आए हैं उसमें एक जो सैम्पल पेपर में भी है और ये 2002 का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है। रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाया गया है एमीटर बनाने के लिए वो 10 मिली ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है तो हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है तो जी और एस आपस में पैरेलल में होते हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 1/G प्लस 1/S। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है इसलिए 1/ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी 1/G प्लस 1/S। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज रखेंगे तो यहां हम एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अगर 50 में 0.010 ऐड करेंगे तो कोई बहुत चेंज नहीं आएगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को 50 ले सकते हैं। तो
ये रिलेशन 1/100 यानी 0.01 ओम आएगा। अब इस सवाल में उन्होंने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर दो ऐसा कहा है, तो 0.010 ओम। आप अगर इसे लाउडली कॉल करो तो वन गो में आप 10 केवल बोल सकते हो, डेसिमल की चिंता आपको नहीं करनी है। ये नंबर अगर आप एक साथ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ोगे 10। ये रफ तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का, बहुत एक्यूरेट नहीं है लेकिन काफी काम करता है ये ट्रिक। तो 10 यानी 10 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर आप डेसिमल हटाकर आंसर देना चाहें तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को, तो ये मिली ओम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 आएगा और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑप्शंस में क्योंकि यही वैल्यू दी हुई है इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके अलावा 2011 में इस पार्ट से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दी है, रेंज ऑफ एमीटर 5 एम्पियर दिया है, और पूछा है कितना लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल में लगाएं कि ये 5 एम्पियर रेंज का एमीटर बन जाए। तो इस इक्वेशन को याद रखना है, इसको यूज करेंगे। सारी वैल्यूज रखने के बाद जब आप एस कैलकुलेट करने चलें तो यहां पर आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर आप 5 ओम में 0.005 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसे 5 ले सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 75 मिली ओम आ जाएगा। इसी तरह से 2008 में जो क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा गया है उसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, स्केल जो गैल्वेनोमीटर में है उसमें 100 डिवीजन्स हैं, और करंट की सेंसिटिविटी एक क्वांटिटी दी है जिसमें कहा गया है कि 25 माइक्रो एम्पियर 1 डिवीजन की वैल्यू है, यानी 1 डिवीजन 25 माइक्रो एम्पियर पड़ता है। फिर पूछा है कि इसको कैसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 5 एम्पियर हो। तो पहले हम इक्वेशन लिख देंगे, फिर जो वैल्यूज दी हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि सिर्फ गैल्वन आईजी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही नहीं मिल रही हमको, तो उसके लिए हम इस डेटा का यूज करेंगे कि एक डिवीजन 25 माइक्रो एम्पियर पड़ता है, तो 100 डिवीजन्स 25 × 100 माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे। इस वैल्यू को जब हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम अप्रोक्सीमेटली इसको 5 लिख सकते हैं, और अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो 5 लिख कर इस आंसर को सॉल्व करेंगे और 0.05 ओम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं, इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बहुत बढ़ जाता है। यहां पर हम गैल्वेनोमीटर को जब बिना किसी हेल्प के यूज करें वोल्ट मीटर पढ़ने के लिए, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल से सिर्फ आईजी यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पास हो सकती है, इससे ज्यादा करंट कॉइल को जला देगी। अगर हम इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देते हैं। तो अब इस केस में जो रीडिंग ये पढ़ेगा वो IG × G होगी। इस केस में ये रीडिंग जो वोल्ट मीटर की पढ़ सकता है वो I × G+R होगी। तो ये हम कहेंगे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आर लगाने के बाद, और ये हम कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज किया जाए। इन दोनों इक्वेशंस में इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको वो इक्वेशन मिलेगी जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। तो इसमें सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को 50 ओम, रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है उसे वोल्ट मीटर में बदलने के लिए वो 10 किलो ओम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर का होगा वो 50 + 10,000 ओम हो जाएगा। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 10,000 ओम ले सकते हैं क्योंकि 50 ओम 10,000 में ऐड होगा तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रह सकता है, तो इससे आपको ये 10 किलो ओम मिल जाएगा आंसर। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का इसे कनेक्ट करने के लिए के बाद होगा वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको आंसर करना है, तो 10 किलो ओम विल बी द परफेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी विल बी द आंसर।